तो दोस्तों मैं एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को अच्छी खबर सुनाता हूँ कि टाटा मोटर्स की तरफ से दोस्तों एक न्यू कार लॉन्च होने वाली है, मतलब न्यू कार की फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली है। 2022 के अंदर ही यह लॉन्च हो सकती है इंडियन मार्केटों पे। तो यह इस गाड़ी का नाम है दोस्तों टाटा हैरियर। हाँ दोस्तों, टाटा हैरियर ये जो फेसलिफ्ट होकर 2022 के एंड में लॉन्च हो सकती है। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि टाटा हैरियर 2018 में लॉन्च हुआ था और 2018 के बाद से ही टाटा मोटर्स की ग्रोथ 2x होने लगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो पहले 2018 से पहले हम टाटा मोटर्स को एक मतलब निगेटिव नज़र से देखते थे कि यार ये टाटा की गाड़ी इतना पैसा से हम लेंगे, इसके बाद इनका क्या होगा, राइड क्वालिटी में बेकार और ड्राइव क्वालिटी में भी बेकार, सेफ्टी में भी बेकार। इसके बाद से दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपने टाटा हैरियर लॉन्च करने के बाद से ही दोस्तों टाटा का ग्रोथ 2x होने लगा। वो तो आप सभी लोग देख ही रहे हो, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड बन चुकी है अभी तक टाटा। तो दोस्तों टाटा हैरियर जो था वो बहुत ही बढ़िया कार था, मतलब कार अभी भी है, पावर में भी मस्त था दोस्तों, और इसका जो राइड क्वालिटी वन मैच बोले दोस्तों। आप लोग हाल ही में देख रहे होगे यूट्यूबर लोग XUV 700 बेच के टाटा हैरियर ले रहे, तो इसी से आप समझ सकते हो कि कितना बढ़िया गाड़ी है टाटा हैरियर। दोस्तों इसी के बात करने वाले हैं हम टाटा हैरियर की, आपको टाटा हैरियर को लेना चाहिए या आपको कोई और गाड़ी लेना चाहिए। दोस्तों जो फेसलिफ्ट आने वाला है उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाएगी। तो हमें इस बात को समझना होगा कि अगर टाटा मोटर्स इस बार अगर बेहतरीन फीचर्स नहीं देते तो वो लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे कि उनका राइवल डायरेक्ट कंपटीशन होगा XUV 700 एंड जो न्यूली लॉन्च होने वाली है स्कॉर्पियो, उनसे। क्योंकि दोस्तों उन सब में आपको भर भर के फीचर देखने को मिल जाएगी। और अगर टाटा अपने कारों पे फीचर्स नहीं देगा तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि वे उनका कार लेंगे लोग। तो इसी वजह से दोस्तों इसमें आपको एडास देखने को मिल सकती है और आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको वेंटिलेटेड सीट देखने को मिल जाएगी और आपको पावर टेल विंडो देखने को मिल सकती है, और जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, मतलब वगैरह वगैरह ये सब आपको देखने को मिल सकती है। सब एजम्पशंस है, जब आएगा तो अब हम अच्छे से देखेंगे, ये सिर्फ लिख निकल के आती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर टाटा हैरियर की आप डिज़ाइन देखो तो डिज़ाइन में इतना ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों टाटा हैरियर का जो डिज़ाइन है वो मतलब आज से अगर 50 साल बाद भी अगर इस कार को आप देखें तो फिर भी आप इसको ओल्ड नहीं बोल सकते। क्योंकि इसका डिज़ाइन ही ऐसे ही बनाया गया है कि माँ कसम बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया था, और टाटा के इंजीनियर को तो भाई डांट ही दें। तो इस गाड़ी में आपको पावर चेंज नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये पावर सफिशियंट है इस गाड़ी के लिए। और भी आपको बहुत ही सारे फीचर्स देखने को मिल सकती है दोस्तों, अगर आगे आगे लीक आते जाएंगे मैं आगे आगे आपको लीक बताते जाऊँगा। दोस्तों जो बुरी खबर था दोस्तों, वो बुरी खबर है दोस्तों कि आपको टाटा हैरियर लेना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि 2-3 महीने वेट कीजिए, इसके बाद आपको बहुत ही सारे लीक देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको लीक देख के अच्छी लगे तो आप बिल्कुल रुक सकते हैं, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो बिल्कुल आप नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके साथ जय हिंद जय भारत।